दोस्तों इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इस वीडियो के नीचे आपको इसके टाइम स्टैप दे दिए हैं जिसको यूज़ करके आप किसी भी पॉइंट पे स्किप कर सकते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं न्यू स्टिक। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे आप अपने स्मार्टफोन को ईजिली फास्ट बना सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो अपना स्मार्टफोन चलाएंगे तो आपका स्मार्टफोन काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी फास्ट चल सकता है, जैसे कि आपने बिल्कुल अपना स्मार्टफोन नया लिया हो। और मैं आपको गारंटी भी देता हूं, अगर आप इन सारे चीज़ों को अपने स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे तरीके से तो आपका स्मार्टफोन काफ़ी दिनों तक काफ़ी अच्छा चलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सबसे बड़ी वजह के बारे में जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन काफ़ी स्लो होता है, और वो है आपके स्मार्टफोन में कम स्टोरेज खाली होना। दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन में कम स्टोरेज खाली होगा तो यार वो चीज़ आपके स्मार्टफोन की रीड एंड राइट स्पीड पे काफ़ी इफेक्ट करेगी। उसकी वजह से आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो काफ़ी स्लो स्लो लोड होंगे, और सीधी सीधी बात करें तो आपके स्मार्टफोन में जितनी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगी। तो यार आपको अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज खाली करने के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है वो एप्लीकेशन डिलीट जिनको आप बहुत ही कम यूज़ करते हो। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 1% अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, बाकी जो उसकी एप्लीकेशन है वो उसको बहुत ही कम यूज़ करता है या फिर यूज़ ही नहीं करता, वो आपके स्मार्टफोन में ऐसी पड़ी रहती है और वो बैकग्राउंड प्रोसेसर खाती है और डेफिनेटली आपका स्टोरेज तो खाती है। सबसे पहले आपको उन एप्लीकेशन को फिगर आउट करना है और उनको हटाना है, और इनको तो आपको हटाना ही हटाना है। आपको जो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट मिलती है आपके स्मार्टफोन में आपके मैन्युफैक्चरर की तरफ से जिसको हम ब्लोटवेयर्स कहते हैं, उनको भी हटाना है। उनमें से कई सारे एप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनमें हमें अनइंस्टॉल का फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता। तो यार उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन की ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के लिए सिंपली आप अपने एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए और आपको ऊपर एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको पॉपअप देखने के लिए नहीं मिल रहा तो सिंपली आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स से ऐप्स वाले सेक्शन में जाइए। दोस्तों ये जो ऐप्स वाला सेक्शन है वो अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर में किसी में ऐप्स होगा, किसी में ऐप्स एंड नोटिफिकेशन होगा, तो जौन सा भी आप उस पर क्लिक कीजिए, फिर वहाँ से आप अपने किसी भी एक एप्लीकेशन की ऐप इन्फो में जा सकते हैं। और ऐप इन्फो में जाने के बाद जहाँ आपको अनइंस्टॉल का बटन देखने के लिए मिलता है दूसरे एप्लीकेशन के केस में, वहाँ पे आपको मिलेगा डिसेबल का बटन, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, उससे आपका वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगा और इससे वो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में जिससे आप अपने स्मार्टफोन का इंटरनल स्टोरेज और भी ज़्यादा खाली कर पाएंगे, और वो है आपके हर एक एप्लीकेशन की कैश मेमोरी को डिलीट करते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं जो कैश मेमोरी होती है वो एक फालतू टाइप से मेमोरी होती है हमारे लिए, क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा आपका स्टोर नहीं होता, वो आपका एप्लीकेशन कुछ बैकग्राउंड डाटा आपके स्मार्टफोन में स्टोर करके रख देता है। तो यार अगर आप अपने स्मार्टफोन में कुछ बड़े एप्लीकेशन देखेंगे तो उसके जो कैश मेमोरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, किसी किसी केस में तो 400 या आधी GB तक भी यूज़ करके रखता है। तो यार आपको कैश मेमोरी कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी आपके एप्लीकेशन के ऐप इन्फो में। आपको ऐप इन्फो में जाना है, ऐप इन्फो के बाद आपको जाना है स्टोरेज वाले सेक्शन में। आपको स्टोरेज वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्लियर कैश करके एक ऑप्शन, आपको सिंपली इसको हटाना है और यहाँ से आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्टोरेज आपका घेर के रखा हुआ था। और ये ब्राउज़र के केस में काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप कोई भारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्रोम, दोस्तों क्रोम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है, उसकी आप कैश मेमोरी देखोगे तो डेफिनेटली वो आधी GB तक जाती है अगर आपने 1 या 1.5 महीने में कैश मेमोरी को क्लीन नहीं किया तो डेफिनेटली उसको क्लीन कर दीजिए। आपको इससे आपके स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी और परफॉर्मेंस तो आपको देखने के लिए अच्छी मिलेगी। और अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में जिससे आप अपने स्मार्टफोन में और भी डाटा क्लीन कर सकते हैं, और वो है आपकी जंक फाइल। जो आपकी जंक फाइल होती हैं वो भी आपके एप्लीकेशन आपके इंटरनल स्टोरेज में इकट्ठा करके रख देता है। अब उनको हटाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, क्लीनिंग एप्लीकेशन। बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप क्लीनिंग एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाल के रखिए, बट आप इनको हटाने के लिए कोई भी क्लीनिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उससे क्लीन कर दीजिए, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को भी हटा दीजिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन होते हैं क्लीनिंग वाले वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आपके बैकग्राउंड में भी खाते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्लीनिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करना है लेकिन सिर्फ जंक फाइल हटाने के लिए, उसके बाद आप उसको भी हटा दीजिए। और ये वाला फीचर आपको गूगल के एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, गूगल का जो फाइल मैनेजर है उसमें भी मिल जाएगा जंक को क्लीन करने का, तो डेफिनेटली आप उसको क्लीन कर दीजिए, उससे भी आपके स्मार्टफोन को काफ़ी परफॉर्मेंस में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और बात करें चौथी चीज़ के बारे में, अगर आपसे हो सके तो आप जो भी अपना मीडिया फाइल्स हैं अगर आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज कम है तो उनको SD कार्ड में स्टोर कीजिए। और SD कार्ड में भी जब आप स्टोर करते हो यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आपका जो SD कार्ड हो ज़्यादा पुराना ना हो और वो कम से कम क्लास 10 का तो हो ही, क्योंकि उस क्लास 10 से नीचे नीचे जो SD कार्ड आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं रीड एंड राइट स्पीड के मामले में, तो यार उससे आपके डाटा को दिक्कत हो सकती है।
तो डेफिनेटली आप वो वाले SD कार्ड यूज करें। मैं कुछ अच्छे डील्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिनको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जिससे आप अपने स्मार्टफोन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं, और वो है कि आप अपने स्मार्टफोन में लाइट एप्लीकेशन का यूज करें ना कि फुल वर्जन का। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना फेसबुक। फेसबुक का जो आप एप्लीकेशन देखेंगे वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज आपके बैकग्राउंड में यूज करता रहता है, आपकी वॉइस कैप्चर करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको उतने बड़े एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, आपको उसके लाइट वेरिएंट में जाना है, क्योंकि जो उसमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो लगभग सारे आपको उसके लाइट वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, और वो कम रिसोर्सेज यूज़ करता है और डेफिनेटली स्टोरेज तो कम यूज़ करता ही करता है। और आपको जितने भी सोशल एप्लीकेशन हैं उनके लाइट वर्जन भी मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको यूज़ करना चाहिए इंस्टेंट ऑफ आप फुल वर्जन को। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि अगर आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है तो आप क्रोम ब्राउजर को यूज मत कीजिए, आप लाइटर वर्जन को यूज करके देखिए। जैसे मोजिला लाइट हो गया, वो काफी ज्यादा लाइट वर्जन है और वो कम रिसोर्सेज घेरता है, और जो क्रोम माना जाता है कि वो चाहे आपके स्मार्टफोन हो या पीसी वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करता है, इसलिए डेफिनेटली आप लाइटर वर्जन एप्लीकेशन को यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो है आपके स्मार्टफोन की होम स्क्रीन। अब आप अपने होम स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे आपके स्मार्टफोन में आपकी होम स्क्रीन कम से कम रिसोर्सेज यूज करे। तो यार उसके लिए आपको हटाना पड़ेगा सबसे पहले आपके स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर जितने भी विजेट्स हैं उनको, क्योंकि जो विजेट्स होते हैं आपके स्मार्टफोन में वो अपने करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको बार बार आपको अपडेट करना होता है कि करंट स्टेट क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा हो सके आप उन विजेट्स को कम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर जितना ही आपका वो कम रहेंगे उतने ही आपकी बैकग्राउंड प्रोसेसेस कम रहेंगी। और आप अपने स्मार्टफोन में जायरोस्कोप वाले वॉलपेपर तो यूज ही मत कीजिए, और अगर आपका स्मार्टफोन कैपेबल है या उसका प्रोसेसर काफी अच्छा है तो यार आप उन एप्लीकेशन को यूज कर सकते। और मैं आपको ऐप प्रोसेसर से रिलेटेड एक और चीज बता दूं, हमें अपने स्मार्टफोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको नेट की जरूरत होती भी नहीं है। बेसिकली उनका काम होता है कोई मीडिया प्ले करने का, या हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल MS Player ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मीडिया को यूज़ करने के लिए, ना कि स्ट्रीम करने के लिए। तो उन केस में आप अपने स्मार्टफोन में उसका डाटा यूजेस बंद कर सकते हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ आपका स्मार्टफोन का डाटा बचेगा बल्कि आपके प्रोसेसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगी, और आपके स्मार्टफोन में ऐड भी कम आएंगे जो आपको वीडियो के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाला फीचर्स आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने के लिए मिलता, बट जो डिफरेंट मैन्युफैक्चर होता है उनमें आपको ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ करिए, जो सिर्फ आपके स्मार्टफोन में एड्स दिखाने के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनको भी आप बंद कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, और वो है आपके स्मार्टफोन का डेवलपर ऑप्शन। अब डेवलपर ऑप्शन में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने स्मार्टफोन को एक काफ़ी स्नैपी लुक दे सकते हैं, यानी कि इससे आपकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट आपको फील होगा कि आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्नैपी और काफ़ी तेज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके क्लिक पे। और इन सारे ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको स्मार्टफोन की सेटिंग्स में, सेटिंग से जाना पड़ेगा सिस्टम में, सिस्टम से जाना पड़ेगा अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एक बिल्ड नंबर। आपको उस पर 7 to 8 टाइम्स टैप करना है और वहाँ पे एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा नाउ यू आर अ डेवलपर। जैसे ही आपके में वो शो हो जाए आपको वहाँ से बैक आना है और वहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये अलग अलग ब्रांड के स्मार्टफोन में आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका जिसको यूज करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, और वो ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में सिंपली ऊपर सर्च जो बॉक्स मिलता है उस पर सर्च करना है अबाउट फोन। अबाउट फोन पे आप क्लिक कीजिए और उससे बिल्ड नंबर पे जाइए, फिर 7 to 8 टाइम्स आप उस पर टैप कीजिए तो भी आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर वहां से आप सेटिंग्स में जाके सिस्टम में जाके वहां पे डेवलपर ऑप्शन को देख सकते हैं। फिर आपको उसके डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है और आपको जाना है ड्राइंग वाले सेक्शन में, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे तीन ऑप्शन। जो पहला होगा वो होगा विंडोज एनिमेशन स्केल, जो दूसरा होगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, और जो तीसरा होगा वो होगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है वो डील करते हैं आपके एनिमेशन से। ये तीनों एप्लीकेशन आपके एनिमेशन को फास्ट या स्मूथ बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होता है 1x पे, तो अगर आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे वो आपको अपने स्मार्टफोन में उतने ट्रांजिशन स्मूथ देखने के लिए मिल जाएंगे, बट स्लो भी साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। और जितना ही आप उसको 1x से कम करते जाएंगे आपको उतना फास्ट एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता अपने स्मार्टफोन में एनिमेशन से तो आप डेफिनेटली इसको ऑफ भी कर सकते हैं, उससे आपके स्मार्टफोन को काफ़ी एक स्नैपी फील देखने के लिए मिलेगी। और आपको डेवलपर ऑप्शन में और दो ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग के दौरान थोड़ी सी परफॉर्मेंस और ला सकते हैं, और ये दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग वाले सेक्शन में। जो पहला ऑप्शन है वो है फोर्स GPU रेंडरिंग, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है फोर्स 4x MSAA।
इन दोनों चीज़ों का आप इनेबल कर दीजिए, और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों जो ऑप्शन है वो डील करते हैं आपके जीपीयू से, तो यार इससे वो थोड़ा और पुश कर देंगे आपकी जीपीयू की लिमिट और आपको गेमिंग में थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं सबसे इफेक्टिव पॉइंट के बारे में। अगर मैंने अभी जितने भी मेथड्स आपको बताए हैं वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उन सबको यूज़ करने के बाद भी आपके स्मार्टफोनों को ज़्यादा बूस्ट देखने के लिए ना मिले, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये पॉइंट ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन को करना है फॉर्मेट, या आप कह सकते हैं फैक्ट्री रीसेट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फैक्ट्री रीसेट से जितना भी डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है, इनफैक्ट उससे वो भी डाटा डिलीट हो जाता है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते इन केस वो हमारे काम का नहीं है तो भी। तो इससे आपके पूरे फ़ोन को एक फ्रेश स्टार्ट देखने के लिए मिलती है, उसकी वजह से आपको अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू फॉर्मेट करते हैं, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन का पूरा बैकअप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ले लेते हैं और फिर फॉर्मेट करते हैं और वापस से वो सारा डाटा अपने फ़ोन में डाल देते हैं, तो यार फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप हार्ड रीसेट कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने एप्लीकेशन का बैकअप ले लेना, और जिसमें क्लाउड में बैकअप लेने का ऑप्शन हो तो आपको क्लाउड में ही चुनना है। जैसे कि हो गया व्हाट्सएप हमारा, और जितनी मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है वो क्लाउड में बैकअप होता है, आप वैसा कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन को कर देना है रीसेट यानी कि फॉर्मेट। उसके बाद जितने भी आपने एप्लीकेशन आपको स्मार्टफोन में चाहिए वो आप उसको मैनुअली डाउनलोड कीजिए। सारे मैनुअली डाउनलोड करने के बाद अपना डाटा जो आपको फाइल्स लग रही हैं वो भी मैनुअली डालें। आप किसी सॉफ्टवेयर से बैकअप बना के फिर वापस इसको रिस्टोर मत कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सब कुछ अपने हाथों से मैनुअली कीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा फर्क देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करें तो आपको डेफिनेटली 6 to 8 months में एक ना एक बार अपने स्मार्टफोन को फॉर्मेट जरूर करना चाहिए। तो बस फिलहाल की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं अगर वो आपके काम में आए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए और ऐसा औसम कंटेंट लाता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।